welcome to all. Our next topic is intermolecular forces. अच्छा जी, ये मैंने एक जो है वो बॉन्ड बनाया है यहाँ पे. ये बॉन्ड किसके दरमियान है? एच और सी एल के दरमियान, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन. जब ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड. अब ये जो केमिकल बॉन्ड है, इसकी टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं. अब जब एक एक चीज़ बनती है ना, तो उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड नहीं बनता, मतलब एक ही हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन, ये दोनों सिर्फ ज्वाइन नहीं होते, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन और थाउजेंड्स ऑफ क्लोरीन आपस में ज्वाइन होकर पूरा एक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको बनाती हैं. तो उसके लिए जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है. और अब ये जो ब्लू बॉल पॉइंट से लाइन लगाई हुई है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बना देता है. और जब ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होता है, तो उनके दरमियान में जो फोर्स होती है वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनने वाली जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. अब ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक केमिकल बॉन्ड होता है. तो अगर यहाँ पे वैल्यूज उन्होंने बताई हैं कि अगर हम एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है अगर हम इसको ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी वो एनर्जी होगी 17 किलो जूल पर मोल. मतलब इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो है 17 किलो जाउल पर मोल. ये जो किलो जाउल है ये एनर्जी का यूनिट है, और पर मोल मतलब एक मोल. ये आप मोल की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि एक जो मोल है मतलब ग्राम के इक्वल. तो जब हम इसको ब्रेक डाउन इसकी करने लगेंगे तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 17 किलो जाउल पर मोल. लेकिन जब हम ये जो केमिकल बॉन्ड है, इस केमिकल बॉन्ड को जब हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी 430 किलो जाउल पर मोल. तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की या फिर केमिकल बॉन्ड. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो केमिकल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती. इनको हम वैसे भी जो है वो वीक फोर्सेस ही कंसीडर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का इंट्रोडक्शन है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं और कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए. आगे ये जो है वो आगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है. सबसे पहले इसकी ये जो टाइप है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्या नाम है इसका? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इंटरेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ लिंक करना, किस चीज़ का जो है वो लिंक बनाना. अब ये डाइपोल डाइपोल का क्या मतलब? जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो ये हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं एच और सी एल. एच पर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव. और क्लोरीन पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, अब ये दो पोल्स बन गए हैं अलग अलग, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल. ठीक है, अब ये इसमें कितने पोल्स हैं? 2. तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई पोल. ये जो डाई है, डाई का मीनिंग क्या है? 2. और पोल्स मतलब कॉर्नर्स. कितने पोल बन गए इसके? 2. तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई पोल. उसके बाद हम यहाँ पे इनका इंटरेक्शन कराते हैं, मतलब ये लिंक होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और वो भी यही मॉलिक्यूल है, और उस पर भी कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव. तो ये वाली जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. मतलब ये जो इसके भी कितने पोल्स हैं? 2. और इसके भी कितने पोल्स हैं? 2. और ये क्या है? इनके दरमियान में लिंक है, इनके दरमियान में इंटरेक्शन है, मतलब कि किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं. तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का ये जो साइन है ये क्यों डिवेलप होता है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का साइन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डेवलप होता है। अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब इक्वल है, तो फिर ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरफ जो इलेक्ट्रॉन एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा कम कर रहा है, तो फिर जब अनइक्वल शेयरिंग हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी वजह से ये पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इसका ये है 2.2 और इसका कितना है 3.2। ये क्या है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें डिफरेंस कितना होता है 1 का। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों साइड्स पे इक्वल शेयर नहीं हो रहा, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इनके दरम्यान में जब हम ये लिंक शो करते हैं तो उसका क्या मतलब है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और ये जो लिंक होता है ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में होता है, मतलब जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो इस इंटरेक्शन की वजह से ही आपस में वो अटैच होते हैं। अब मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, As discussed earlier, the forces that hold atoms in a compound are chemical bond. मतलब एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स को कंबाइन करके रखती हैं फोर्सेस, वो होती हैं केमिकल बॉन्ड। और जो फोर्सेस मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं वो होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जॉल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इन टू गैस, वेयर एज अबाउट 430 किलो जॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। ये वाला जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में ये वाला जो केमिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उसको ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए। आगे है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। All intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces are electrical in nature. इन पर कोई electrical मतलब इन पर कोई भी charge नहीं होता। They result from the attraction of opposite charges which may be temporary or permanent.